पड़ेंगे। लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने इसकी औपचारिक घोषणा की। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह, यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा, हमारे गठबंधन में अपना दल भी जुड़ा है। विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इस सवाल को पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी पर उत्तर प्रदेश की जनता का अटूट भरोसा है। देखो, हमारी पार्टी की बहुत विनम्र घोषणा है, हम उससे 2013 की पहले 2013 की पहले से ही हम उसको कह के आ रहे हैं, हमें देश की गरीबी को मिटानी है, सब मिलके एकजुट होकर गरीबी के खिलाफ लड़नी है। इसीलिए हमने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबकी विश्वास। अगर हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ये किसी जाति धर्म वर्ग विशेष को नहीं दिया है, हमें सभी की चिंता, क्या यही हमारा नीति है। विधानसभा चुनाव अगले साल है, उससे पहले यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री हैं एवं यूपी प्रभारी हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता करी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और संजय निषाद को लेकर गठबंधन बताया। दोनों के बीच में जो गठबंधन हुआ है वो आगामी चुनाव को लेकर मैदान में उतरेंगे। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी, ये गठबंधन कितना सफल होता है। लेकिन अगर बात की जाए निषाद पार्टी से गठबंधन को लेकर सीटों को, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सीटों को लेकर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने टाल दिया कि आगे बताया जाएगा। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि ये गठबंधन कितना सफल होता है। लखनऊ से सत्यजीत सिंह, जनटीवी।